प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हमने आपको कभी चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था कि चंद्र ग्रहण में की हुई सिद्धि अति कारगर होती है और चंद्र ग्रहण में जो आप मंत्र सिद्ध करते हैं तुरंत सिद्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली होती है नवरात्रि की सिद्धि। दोस्तों, यह नवरात्रि यानी माँ दुर्गा के 9 दिन, जिसमें माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। परंतु बस एक बात का ध्यान रखें कि इसमें देवी सिद्धियां ही करें जिनका अधिक से अधिक फल प्राप्त होता है। अब दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से करें और किस प्रकार से सिद्धि हो और किस प्रकार से करें माँ दुर्गा की स्थापना। तो दोस्तों, हमने आपको एक वीडियो के द्वारा बताया था कि पूजा करने की संक्षिप्त विधि। दोस्तों, हर कार्य में, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, पूजा करने की संक्षिप्त विधि में जिस प्रकार से चौकी लगाई जाती है, इसी प्रकार से हर पूजा पाठ का विधान यही होता है। इसमें फर्क है सिर्फ इतना कि बस चौकी पर माँ दुर्गा जी की स्थापना करनी, इसके साथ में वही कलश की स्थापना, वही ऊपर नारियल की स्थापना। बस नारियल आपने पानी वाला लेना है और उसके ऊपर लाल चुन्नी। दोस्तों, बस एक अंतर और है इसमें, जो हमने पूजा की संक्षिप्त विधि बताई थी कि ये जो आप चौकी लगाते हैं, इसके साथ में जल की स्थापना हो गई, दीपक और धूप हो जाती है, तो उसके पास में ही, कलश की स्थापना के पास में ही एक मिट्टी का पात्र लेना है और मिट्टी के पात्र में रेत या मट्टी भर लेनी है। दोस्तों, उसमें मिला देने हैं थोड़े से जौ, जो बोने के लिए होते हैं दोस्तों, जो अंकुरित होकर के बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, उसमें जौ मिलाने के पश्चात पानी डाल दीजिए और अब ये 9 दिन तक आप इसमें जब भी थोड़ा खुश्क हो पानी डालते रहें। तो ये एक 9 दिन में माँ की एक अनुपम खेती तैयार हो जाती है। दोस्तों, ये खेत में जिस प्रकार आप बीज बोते हैं जो के, उससे भी जल्दी अंकुरित होते हैं और ये 6-7 इंच से बड़े हो जाते हैं 9 दिनों में ही। अंकुरित भी हो जाते हैं और बड़े भी हो जाते हैं। इनमें विशेष शक्तियां आती हैं। उस शक्ति के बारे में भी हमने आपको एक वीडियो के द्वारा बताया था कि इसे कानों पर रखकर अपनी मन की मुराद कैसे मांगे। दोस्तों, बस यह तो है चौकी लगाने का विधान। अब दोस्तों, इसमें करना क्या है आपको? इसमें माँ दुर्गा के 9 दिन होते हैं और 9 दिन में माँ की 9 शक्तियों की ही पूजा होती है। दोस्तों, इसमें पूजा करने का विधान सिर्फ इतना है कि माँ के उन रूपों का ध्यान करना है आपको। दोस्तों, अब हम बता रहे हैं कि प्रथम शैलपुत्री, यानी कि पहले दिन शैलपुत्री के रूप में उनका हम भक्ति भाव से स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। और द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में। तृतीय चंद्र घंटा, तीसरे दिन चंद्र घंटा के रूप में। और चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में। पांचवे दिन स्कंद माता के रूप में। छठे दिन कात्यायनी के रूप में। सातवें दिन कालरात्रि के रूप में। आठवें दिन महागौरी के रूप में। और नवें दिन सिद्धिदात्री के रूप में। बस दोस्तों, आपने थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि इस नवरात्रि में इन 9 दिनों की जो पूजा होती है, वह इसी तरीके से होती है कि माँ के इन रूपों का स्मरण किया जाता है और भक्ति भाव से बस इनको, जिस प्रकार से हमने अपनी साधारण पूजा की विधि दिखाई थी, उसी प्रकार से हम इनका अपना भोग लगाते हैं, इन पर चावल चढ़ाते हैं, रोली लगाते हैं, टीका लगाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, फल फ्रूट चढ़ाते हैं।
फूलों की माला पहनाते हैं। दोस्तों यह सब आप पहले ही जान चुके हैं, बस इन नौ नामों का ध्यान रखें और नौ रूप के में ही उनका स्मरण करें। अब दोस्तों हम बताने जा रहे हैं आपको कि यह स्मरण करने के पश्चात आपने अंत में माँ दुर्गा जी की आरती करनी है। दोस्तों इसके अलावा जब आप कोई भी मंत्र सिद्धि करते हैं तब आपने क्या करना है, सायंकाल का वक्त चुनना है, शाम को 7 बजे या 6 बजे के बाद का ही वक्त चुनें। और दोस्तों एक समय रख लें कि आपने 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में कोई भी मंत्र जाप करना है। दोस्तों किसी भी मंत्र को ले लीजिए, मंत्र को आप जप करें जो आपको प्रिय लगता हो, जो आप आसानी से स्मरण कर सकते हो। दोस्तों मंत्र आपको याद होना चाहिए। बस दोस्तों आप उसका समय रखें कि मैंने 1 या 2 घंटे के बीच तक यह स्मरण करना है, ये माला जाप करना है। बस एक रुद्राक्ष की माला हो और उस रुद्राक्ष की माला से पहले दिन आप जो समय नोट करेंगे तो देख लेना कि कितनी माला का जाप हुआ है। तो पहले दिन 1 घंटे से कम ना करें और 2 घंटे से ज़्यादा ना लें। दोस्तों ज़्यादा की हुई पूजा में भी विघ्न आता है और कम की हुई पूजा का भी पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तो 1 से 2 घंटे के बीच का समय ले लें जिसमें आप आसानी से जितनी देर बैठ सके। पहले दिन आपने वो समय रखा, उसमें जितनी माला निकली उतनी माला को याद कर लीजिए कि इतनी माला मैंने की है। तो 9 दिन तक दोस्तों उतनी ही माला करें, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। 9 दिन के पश्चात दोस्तों 9वें दिन ही भी रात्रि को करनी है, फिर आपने इसका 10वें को हवन करना है। दोस्तों इस प्रकार उन मंत्रों का यदि आप 10वें को हवन कर लेते हैं और 9 दिन की यह पूजा कर लेते हैं जिसमें आप किसी मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको वह मंत्र तुरंत ही तो सिद्ध हो जाएगा और अति प्रभावशाली आपको तुरंत फल देने लगेगा। दोस्तों माँ की इस कृपा को आप आजमा करके देख लीजिए। यदि आप मंत्र सिद्धि भी ना करते हैं और माँ की इन 9 दिनों में केवल इस प्रकार के इनके 9 रूपों का ही स्मरण कर लेते हैं तब भी उनका अनंत फल मिलने लग जाता है। विद्या चाहने वालों को विद्या प्राप्त होने लगती है, धन चाहने वालों को धन प्राप्त होने लगता है, पुत्र की प्राप्ति वालों चाहने वालों को पुत्र की प्राप्ति होने लगती है, जिन पर संकट हैं दुख हैं उनकी संकट और दुखों का निवारण होने लगता है। बस दोस्तों विशेष फलदायिनी है यह नवरात्रि की पूजा। दोस्तों करके देखें और इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति करें और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। तो कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।